कितने करारे बने हैं देखिए। हम लोग अभी क्रिस्पी वेज कटलेट बना रहे हैं दोस्तों। और मेरे चटोरों कैसे हो आप? इसमें आपको एकदम बाजार जैसा टेस्ट मिलेगा। घर में ही हम लोग वेजिटेबल कटलेट बना रहे हैं जैसे मैंने बताया था। एकदम सिंपल रेसिपी है और ये चार सिंपल स्टेप्स के साथ हम सभी को सेफ भी रहना है। अभी चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गरम करेंगे हाई फ्लेम पर और ये मैं ले रहा हूँ तेल एक बड़ा चम्मच। तेल को गरम करना है और तड़के में ये मेरे पास है 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक, दोनों फाइन कट करके मैंने डाली है। 25 से 30 सेकंड इनको फ्राई करना है और फिर प्याज डालेंगे। ये 2 प्याज है छोटे साइज़ के फाइन कट करके। इसी के साथ में मटर 1/4 कप। प्याज और मटर को अच्छी तरह फ्राई करना है 2 मिनट तक। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ बीट रूट, इससे एकदम मस्त कलर और फ्लेवर आता है कटलेट में। 1/4 कप के आसपास ही है, आधी बीट रूट ली है मैंने। साथ में गाजर, ये 1 गाजर है फाइन कट करके, और 5 पीस बीन्स। सारी सब्जी हो गई, अभी के लिए मसाले डालते हैं। ये 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ये गरम मसाला, अमचूर और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको अब स्टर करके 3 से 4 मिनट तक सब मसालों को रोस्ट करना है सब्जी के साथ। हम लोग को सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करना, क्रंच रखना है उनका। ये देखिए ड्राइनेस आने लग गई है अब सब्जी में, मॉइस्चर नहीं है ज़्यादा। तो अब हम लोग इसमें आलू डाल देंगे। ये मैंने 5 आलू बॉईल कर पील कर मैश किए हैं। ये इसमें डालकर स्टर करके मिक्स करके सेकेंगे आलू को भी 2 से 3 मिनट तक। ये अपना कटलेट का मिक्सचर एकदम परफेक्ट लग रहा है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट खेल कर नहीं आ रहा यार कोई भी चीज़ का, मतलब नमक का। मैं तो नमक डाल रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्सचर अपना रेडी है, गैस बंद कर इसको आप ठंडा करना है। जब तक ये ठंडा हो रहा है कटलेट को क्रिस्पी बनाने की तैयारी करते हैं, मतलब बैटर बनाते हैं। ये बोल में मैं 1/2 कप मैदा ले रहा हूँ, इसी के साथ में नमक डाल देंगे और पानी मिला के एकदम स्मूथ बैटर बनाना है इसका। इसमें लम्स मत रखिएगा दोस्तों, बैटर अगर गाढ़ा रहेगा तो ब्रेड क्रम्स इसमें ज़्यादा चिपकते हैं और अंदर की लेयर जो होती है ना ब्रेड क्रम्स की, वो थोड़ी चुई लगती है। तो मीडियम पतला ही रखना है। मेरे में तो भाई लम्स आ गए, तो मैं अब विस्क से इसमें लम्स हटा रहा हूँ। ये देखिए अपना बैटर एकदम रेडी है। ऐसी कंसिस्टेंसी रहेगी तो चुई नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्रिस्पी बनेंगे कटलेट। चलो ये रेडी है, अब एक बड़ा बोल लेते हैं, इसमें हम लोग डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स रोस्टेड वाले लीजिएगा, अगर घर में भी बना रहे तो ब्रेड को रोस्ट करके बनाइए, उससे ऑयल ही नहीं बनता है। इसको हम लोग शेक करेंगे ऐसे ऐसे कटलेट डालकर, तो इवन कोटिंग हो जाएगी। चलो अपना आलू का मिक्सचर भी अब ठंडा हो गया है, इसको शेप देते हैं। तो एक नींबू के साइज़ का लेकर गोल बनाते हैं। गोल बनाने के बाद फ्लैट करेंगे और फिर एक तरफ से इसे पिंच करेंगे। ये वाली पान की शेप बन गई, मैं अभी वो डायमंड वाली शेप बना रहा हूँ फिश जैसी, तो उसके लिए दूसरी तरफ से भी ऐसे ही पिंच कर देंगे। ये वाला अपना कटलेट बिल्कुल रेडी है, ऐसे ही बाकी के सारे शेप दे देंगे। शेप देने के बाद एकदम ईजी प्रोसेस है दोस्तों, अपने बैटर में कटलेट को डिप करना है। दोनों तरफ से बैटर अच्छी तरह कोट हो जाना चाहिए। एक्स्ट्रा बैटर को टपकने देंगे और फिर अपने ब्रेड क्रम के बोल में डालकर फटाफट शेक करना है दूसरे हाथ से। एकदम इवन कोटिंग होती है दोस्तों ऐसे, ये वाले बिल्कुल रेडी है। अभी मैं ऐसे ही इसको रहने देता हूँ यही बोल में, ताकि ब्रेड क्रम सेट हो जाए। बाकी का प्रोसेस भी सेम ही है, बैटर में डिप फिर ब्रेड क्रम्स में शेक। चलो भाई मैंने सारे कटलेट बना लिए है, अब इसको हम लोग कुक करते हैं। तो ऑयल को आपको हाई हीट पे गरम करना है, तेल गरम करने के बाद चेक कर लेंगे। चलो अब रेडी है, गरम हो गया है। अब एक एक कर हम लोग कटलेट डाल देंगे इसमें और फिर इनको फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि ईवन कलर आए। मैंने अभी फ्लेम मीडियम रखी है ताकि ये अच्छी तरह सिक जाए। एकदम मस्त सुनहरा कलर आया है ना, डीप गोल्डन कलर आया है यार, मस्त लग रहा है। चलो बाहर निकालते हैं। यह अपना वेज कटलेट रेडी है, दिखा तो दिया मैंने आपको, अब सुनाता भी हूँ। एकदम मस्त क्रिस्पी बनते हैं ये, खा के मज़ा आ जाता है। आप इसको केचप के साथ ट्राई करिएगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, 15 मिनट बाद की आवाज़ है दोस्तों। मेरा आलू थोड़ा ज़्यादा बॉईल हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, अंदर से पूरा मेल्ट इन माउथ बना है ना।
तो कैसी लगी रेसिपी दोस्तों कटलेट की? अगर अच्छी लगी तो लाइक, नहीं लगी तो डिसलाइक। मिलता हूँ जल्द और ऐसी रेसिपीज़ के साथ। आपको अगर अलग टाइप की रेसिपीज़ देखना है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, उसको आपको टंग करके ग्रे बनाना है तो वो कर दीजिए। फिर घंटी भी आ जाती है, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो बटन ज़रूर से क्लिक करिए। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय बाय।